हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आप देख रहे हैं सतीश का टिप्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के न्यू अपडेट के बारे में, वो भी स्पेशल है कैश ऑन डिलीवरी के बारे में। तो जब भी आप कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको कोई प्रोडक्ट कैश मंगा लेते हैं, घर पे आता है तब आपको उसको पेमेंट करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिया गया है, वो इस कारण से किया गया है कि बहुत ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किए जाते हैं और कैंसिल भी किए जाते हैं, जिससे क्या है कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसमें एक अपडेट किया है। एक तरह से आप समझिए कि कैश ऑन डिलीवरी पूरी तरह से कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट पहले से सेलेक्ट करके रखा है तो मैं बताता हूँ। इसके अलावा मैं बता दूँ कि मैंने एक ऑर्डर किया था, मैंने वो उसको किस तरह से किया था, वो एक दिन पहले ही आया है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट डिलीवर वन डे पहले का है, जो रेडमी का मोबाइल है, रेडमी 8 का। ओके, अभी मैं नया बताता हूँ मैंने इसको किया था किस तरह से, क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए लाइव नहीं बता पा रहा हूँ। तो एक नया प्रोडक्ट, एक नया मोबाइल ऑर्डर करते हैं, फिर आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन पर ले जाकर दिखाते हैं कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है और उसमें क्या दिक्कत आ रही है, अब क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्लेस ऑर्डर लिखा है। जब भी आप कोई भी मोबाइल बुक करेंगे, मैं मोबाइल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, रियलमी 6 में ऐसे बुक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्लेस ऑर्डर। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपका पेमेंट मेथड आएगा। पेमेंट मेथड में पूछता है UPI से करना है या क्रेडिट डेबिट कार्ड से। देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा होगा कंटिन्यू करना है आपको एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि अभी एड्रेस आ रहा है। इसके बाद अब ले जाएगा आपको पेमेंट मेथड पे। तो यहाँ पे मेन चीज़ का है जो इसको नाम दिया गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से, पार्ट पेमेंट नाम है इससे स्कीम का, इस तरह का नया अपडेट के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है ₹75 कैशबैक। यहाँ देखिए कौन कौन सा ऑप्शन आता है। एक तो आता है अकाउंट से कर सकते हैं आप, UPI के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और UPI को बता रहा है आपका क्रेडिट कार्ड से करते हैं, नेट बैंकिंग से, EMI से, और देखिए यहाँ पे आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी। अब कैश ऑन डिलीवरी पे यहाँ पे देखिए लिख के क्या आ रहा है, ₹500 आपको पहले पे करने होंगे UPI के थ्रू या इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट लगे उसके थ्रू। कम कैश ऑन डिलीवरी जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ₹500 पे करना होगा, तब जाके ये कैश ऑन डिलीवरी बुक हो जाएगा। अभी क्या होता था, कोई पैसे नहीं लगते थे, आप ऑर्डर कर दीजिए और यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते थे। लेकिन आपको कैंसिल करना हो तो आपको ये पैसे बाद में मिलेंगे, थोड़ा टाइम भी लगेगा, ठीक ना। तो ये नया अपडेट है जिसका नाम है पार्ट पेमेंट, ठीक है। तो ये अभी रोल आउट कर दिया जाएगा, लगभग सारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें अब लागू हो जाएंगी। हाल फिलहाल मोबाइल में तो ये अवेलेबल है। तो यही अपडेट था कि अब आपको कम UPI से या कोई भी फ्लैश सेल हो तो आप कोशिश करिए कैश पेमेंट करने के लिए UPI से या नेट बैंकिंग के द्वारा ही करें, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी जब आप ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा ही नहीं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपको, या फिर मिलेगा तो ऐसे पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, फिर आप उसके लिए तैयार न हो तो आपका प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं हो पाए। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।